डिंडोसी विधानसभा से अपक्ष उम्मीदवार एडवोकेट विजेंद्र राय ने जनता से की मार्मिक अपील। यदि जनता उन पर जताए विश्वास तो किया सर्वांगीण विकास का वादा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। जी, सबसे पहले तो मैं डिंडोसी वासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूंगा और इसके बाद मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं डिंडोसी वासियों के बीच में पिछले 30 साल में जो विकास नहीं हुआ है और जो केवल विकास नाम का जुमला रह गया है, मैं उसी के लिए उनके बीच में आया हूं और उनसे यह प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे एक मौका दें ताकि मैं जो पिछले 30 सालों में जो सड़कों की खस्ता हालत है, जो ट्रैफिक की समस्या है या फिर जो पानी की किल्लत है, जो और भी समस्या है, चाहे वो स्लम का है जिसकी वजह से बिल्डरों को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, मैं इन सारी समस्याओं को लेकर उनके बीच में आया हूं ताकि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं और इसके साथ साथ उनके लिए सेवा कर सकूं। देखिए, मेरा चुनाव चिन्ह भी सीसीटीवी कैमरा है और सीसीटीवी कैमरा भी ऐसा है कि जो सबके ऊपर नजर रखे। मैं यही चाहता हूं कि डिंडोसी वासियों से यही अपील भी रहेगी मेरी कि आगामी 21 अक्टूबर को वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें, चाहे जिसे भी करें लेकिन वोट करें और यह ध्यान रखें कि वोट उसी को पड़े जो काम करे, उनको ना पड़े जो कभी जीते भी हैं और उन्होंने काम नहीं किया है और वो केवल नाम मात्र का ही रह गया है। मेरा चुनाव चिन्ह है सीसीटीवी कैमरा और मैं पूरे डिंडोसी वासियों से यही अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 21 अक्टूबर को वोट करें और एक बार उसको जिताएं जो काम करना चाहता है और काम करके देगा। इसलिए भारी संख्या में आप 21 अक्टूबर को अपने मतदान के जगहों पे पहुंचे और सीसीटीवी कैमरा 9 नंबर पे बटन दबाएं और मुझे जिताएं।